डियर फेवरेट पर्सन, मुझे पता है कभी कभी मैं बहुत बुरा बिहेव करता हूँ। कभी कभी तो छोटी सी बात पे ओवर रिएक्ट कर देता हूँ। मैं स्टूपिड हूँ और तुम जानते हो मुझे। सॉरी अगर तुम्हें कभी हर्ट किया हो मैंने। मुझे खुद नहीं पता मैं उस वक्त क्या बोल पड़ता हूँ। फिर बाद में एहसास होता है कि कुछ गलत बोल दिया। कभी कभी तुम्हें बहुत झेलना पड़ता है ना मुझे, पर इतना मुझे किसी ने समझा भी नहीं जितना तुमने समझ लिया। हाँ कभी कभी बेमतलब का गुस्सा भी हो जाता हूँ, फिर रियलाइज होता है तो एक बार मैं मान भी जाता हूँ। पर मेरी हरकतों को जरा परे रख के गऊं तो खुद से ज्यादा परवाह करता हूँ तुम्हारी। एक तुम ही तो हो जो समझते हो मुझे, तुम्हारे संग ही बैठती है यारा यारी। तो बस खुश रहा करो, मैं हमेशा हूं तुम्हारे लिए। तुम मेरे फेवरेट हो सच में, इतना लिख दिया तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए। यार तुम्हें कब से ये बात बतानी थी, तुम वजह हो मेरे मुस्कुराने की। गर्लफ्रेंड होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता, जब रिलेशनशिप में आए तो कॉन्टेक्ट नेम चेंज करके हबी या शोना बाबू कर लिया। गर्लफ्रेंड होना अपने आप में एक जिम्मेदारी होती है, उस शख्स के साथ हर पल रहने की, उसे सपोर्ट करने की, मेंटली फिजिकली और इमोशनली भी। चाहे कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना हो, सुख दुख किसी में भी उस इंसान से आप मुंह नहीं मोड़ सकते अपना। इज्जत करो वो जैसा भी है, जो भी उसके पास है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस से लेकर उसके एफर्ट्स तक, उसके प्यार से लेकर उसकी केयर तक, हर एक चीज की। आपकी ईमानदारी, वफादारी सब उसके नाम होनी चाहिए। अगर वो टूट के गिर जाए तो उसको तुम्हारे सहारे की जरूरत होगी। ऐसे में किसी बहाने से दूर मत कर देना खुद को। बहुत से लड़के होते हैं जो अपने प्यार के साथ फ्यूचर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। उसे आपके सपोर्ट और एप्रिसिएशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो भी इंसान है और वो भी डिजर्व करता है। रिलेशनशिप का सही मतलब क्या है? बातें करना, फिजिकल होना, घूमना फिरना, डेट्स पे जाना, बस? नहीं, रिलेशनशिप में महज इतना ही नहीं होता। जब एक इंसान हार के टूट जाए, गिर जाए, उठ ना पाए, तो दूसरे शख्स की जिम्मेदारी होती है उसे उठाना, हिम्मत देना और फिर से चलना सिखाना।